नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अपील को कांग्रेस ने नजरअंदाज कर दिया है। यात्रा के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने कहा कि यात्रा नहीं रोकी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना का हवाला देते हुए हाल ही में राहुल गांधी को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने अपील किया था कि संक्रमण के खतरे को देखते हुए वो अपनी यात्रा को रोक दें। उनके इस पत्र पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने जवाब दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस अपनी यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेगी। कोरोना से बचाव के लिए तमाम सावधानियों का पालन किया जाएगा, लेकिन किसी हाल में यात्रा को नहीं रोका जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बयान और उनके पत्र का जवाब देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर पार्टी और व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। कांग्रेस की इस यात्रा से सरकार डर गई है, इसलिए तरह तरह की आदेश और पत्र जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस की ये यात्रा बादस्तूर जारी रहेगी। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश आने वाली है। ये यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के लोनी से दाखिल होगी। इसके बाद यात्रा अपनी गति से चलते हुए बागपत और शामली होते हुए हरियाणा में दाखिल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में यात्रा के स्वागत के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा पर निकले हैं। विभिन्न राज्यों से होते हुए उनकी ये यात्रा पहले 7 फरवरी को कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ खत्म होनी थी, लेकिन इस कार्यक्रम में संशोधन किया गया है और अब इस यात्रा का समापन 26 जनवरी को ही लाल चौक पर तिरंगा फहराकर किया जाएगा। भारत में आए दिन कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध किया था, लेकिन कांग्रेसियों ने इससे इनकार कर दिया। दरअसल कांग्रेस के लिए देश जरूरी नहीं, यहाँ के लोगों की सुरक्षा जरूरी नहीं, बल्कि कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ज्यादा जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।